हेलो जी, राम राम जी, ज्योति ब्लॉगर की राम राम। आप सब लोगों को कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो जो है मॉर्निंग से स्टार्ट हुई है, तो कल रात में तो मैंने कुछ भी नहीं सिंगवाया था, तो अगला दिन शुरू हो गया था। मैंने सोचा कि सामान सिंगवाना शुरू कर देते हैं। जितने बेड पर कपड़े पड़े हुए थे सारे समेट लिए हैं, और गद्दे जो हैं वो दोनों, एक गद्दे पर दूसरा गद्दा इसलिए डाला है क्योंकि मुझे उन्हें बाहर सुखाना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए खाट पर जो रखे हुए हैं वे सारे मतलब सेप के जो है कायरों के सेप में से कपड़े निकाल लिए हैं, अवनी के निकाल लिए हैं। तो इनमें जो अवनी के पहनने के हैं वो अलग रखूँगी, और जो नहीं पहनने के हैं वो अलग रखूँगी मैं। तो बच्चों के जो कपड़े सेट कर रही थी मैं, और यहाँ पर मेरी एक साड़ी रखी हुई थी, तो उस दिन मैं घर गई थी तो मैं साड़ी बांध कर जाने के लिए सोच रही थी, मैंने निकाल ली थी और मैं उसे पहन भी ली थी। फिर इनको थोड़ा काम निकल आया और उसमें गर्मी इतनी ज़्यादा लगी और वो रपटनी इतनी ज़्यादा थी, मुझे निकालनी पड़ी। मैं उसे ऐसे ही रख कर चली गई थी। फिर इन्होंने बोला कि लेट हो जाएगा, तू पूरी ऐसे सेप में रख दे। तो फिर अभी आने के बाद उसकी तय बनाई रही थी, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कायरव जो है वो खेल रहा है। अपने काम में लगी हुई हूँ, अवनी लगी हुई थी वीडियो में और वो पीछे खेल रही थी। और यहाँ पर अभी मैं लगा रही हूँ सेप में कपड़े, तो मैंने उन कपड़ों की तय बना ली थी। तो देखिए इतना ज़्यादा मतलब कमरे में इतना बुरा हाल हो रहा था, सारे रूम में कपड़े, मिट्टी, धूल, सब हर सामानों पर धूल बैठी हुई थी। पहले सेब का खाना अच्छे से साफ़ किया, उसके बाद अभी अवनी के कपड़े लगा रही हूँ। कायरव के जो हैं वो उस पर बास्केट में लगा दूँगी, अवनी के तो ऐसे ही लगा दूँगी। जो उसके पहनने के हैं मतलब वो मैंने निकाल लिया, जो नहीं पहनती है वो उनको मैं उठा कर रख दूँगी। तो अभी ये सब चीज़ें तो लग गई हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर कायरव रो रहा था, अवनी लेटी हुई थी उसके पास में, पर मैं क्या कर रही थी, कभी खिला लेती थी कभी लिटा देती थी। और यहाँ पर मैं साड़ी की तय बना रही थी, मैं उसको झांक कर रही थी जिससे वो चुप हो जाए और मैं आराम से काम कर सकूँ। पर वो तो रोई इतना रहा था कि बस उसको तब जब मेरे पास आना, तो देखिए बच्चे के साथ बिल्कुल भी काम नहीं चलता है। पर आज तो बहुत हिम्मत करी अवनी ने भी और कायरव ने भी, बेचारा रोया भी बहुत। मैं उसको थोड़ा सा खिला कर बैठा कर थोड़ा सा रोया, बस ऐसे ही काम में लगा कर अपना सारा काम समेटा मैंने, वरना देखिए ऐसे कब तक फैला रहता। साफ़ सफाई भी तो बहुत ज़रूरी है, सारे घर में बुरी हालत हो रही थी तो समेटना शुरू करना था ऐसे ही। तो अभी अवनी ले रही थी भाई को, मम्मी वो रो रहा है आप ले लो, और मैंने बोतल वोटल देकर बस किसी तरह से कभी ले लिया कभी बिठा दिया, ऐसे ही काम करा सारा। तो ये जो साड़ी है इसकी तय बना ली है मैंने, पीछे बेड पर भी देख सकते हो आप कपड़े पड़े हुए हैं, और ये जो बेड में अंदर अटैची रखी हुई है तो उसमें रख दूँगी मैं ये साड़ी। तो मैं ज़्यादातर इधर की साइड में ही रखती हूँ अटैची वगैरह, इससे मुझे आसान हो जाते हैं कपड़े रखने के लिए। अब उसे लेना ही पड़ा, वो इतना ज़्यादा रो रहा था बहुत ज़्यादा। इधर यहाँ पर मेरा टावल, दो बनियान ये टंगे हुए थे, ये भी उतारने हैं मुझे, इन्हें भी टहना है, तो इन्हें भी मैं उतार कर मतलब वहाँ रख दूँगी, खाट पर रख दूँगी। तो मैंने इनमें से जो धोए हुए कपड़े हैं वो अलग निकाल लिए हैं, जो मैले हैं वो अलग निकाल लिए, और यहाँ पर जो है मेरे कपड़े रखे हुए थे बेड पर, तो जिनको अवनी है ना उठा रही थी। मैंने कहा बेटा ये नहीं उठाना है, दूसरे कपड़े उठा कर दो। ये क्या उठा रहे हो, बच्ची है जानती नहीं है इतना। तो अभी ये जो सोफ़े हैं मैं सोफ़ा जो है यहाँ से हटा रही हूँ, मुझे झाड़ू लगानी है, यहाँ भी साफ़ करना है, पोछा भी लगाना है, तो इसको मैं यहाँ से हटा रही थी। और हमारे बाबूजी को तो अब जब जीत चढ़ गई थी, मम्मी की गोदी में रहना है तो मम्मी की गोदी में ही रहेगा। और ये जो सारे कपड़े हैं मैं यहाँ पहले सोफ़े पर रखूँगी, बेड भी साफ़ करना है, बेड के ऊपर भी साफ़ करना है, जाले वगैरह लग रहे हैं थोड़े बहुत वो भी निकालने हैं। तो यहाँ मुझे दो तीन छींक आई मतलब धूल में, गर्मी, पसीना, फ़ैन चल रहा था फिर भी मतलब गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपके पास कूलर नहीं है, तो देखिए शादी में मेरा कूलर आया था तो वो टूट गया था, मतलब प्लास्टिक की बॉडी वाला था, वैसा नहीं था ना, लोहे वाला नहीं था। तो पहले तो ऐसे ही देते थे लोहे के, तो नहीं अब चलते वे ही चलते हैं, तो वो टूट गया था। तो उसके बाद फिर से वो नहीं बनवाया गया, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि या तो पंखा ही ले लूँ या फिर कूलर ही, देखते हैं जैसा भी हिसाब लगता है। उसके बाद मैं ड्रेसिंग पर ये चुन्नी लगा कर रखी हुई थी मैंने, काफ़ी टाइम पहले कमेंट आया था अब मत लगाओ चुन्नी, उतार दो अब। तो मैं इसे घर पर गई थी ना इसलिए इस पर टंगी हुई छोड़कर चली गई थी, तो अभी मैंने इसे उतार लिया, अंदर से सारा शीशा मैंने साफ़ कर लिया है, जो मतलब इसमें दवाई शीशी वगैरह थी वो सब लगा दी है मैंने, और जो एक दो सामान था मुझे इधर उधर करना था वो मैं कर रही थी, और अच्छे से फिर मतलब शीशियों को तो साफ़ कर लिया था, जो थी उनको साफ़ कर लिया था, बाकी सब चीज़ें जो जो नीचे के खाने थे उसमें थी वे निकाल रही थी। और सबसे नीचे जिसमें मैं रखती हूँ मेकअप का थोड़ा बहुत सामान, उसमें भी देखिए चूड़ी, बिंदी, और ये रबड़ और ये छोटे छोटे सामान, बीज वगैरह, ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, तो एक बॉक्स में अलग रखूँगी इन्हें मैं। और जो दो चार सामान मुझे मेकअप के चाहते हैं वो अलग रखूँगी। अभी उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ सेप में, तो ये जो सेप का जो खाना होता है इसे मैं सिंगवा रही थी, इसमें भी काफ़ी सारे सामान पड़े हुए थे,
तो एक एक करके जो मतलब सामान ज़रूरी है वो इसमें सेट कर दूँगी, जो ज़रूरी नहीं है वो मैं निकाल दूँगी इसमें से। तो देखिए सब चीज़ों को ध्यान में रखकर साफ़ सफाई करनी पड़ती है। एक एक चीज़ पता नहीं कोई सी चीज़ कीमती ना हो और गलती से मतलब कूड़े करकट में ना चली जाए। और अखबार जो है मैंने इसमें अखबार डाल दिया है, वो सामान सेट हो गया है। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पर मेज़ पर रखा हुआ है बैग, तो बैग तो मैंने अभी बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, बैग नहीं खोला है मैंने। मैं सोच रही हूँ कि बैग को मैं बाद में ही खोलूँगी, पहले ये जो काम फैला हुआ है इसे समेट लूँ और यहाँ लगाऊँगी मैं पूजा का स्थान। तो मैं यहाँ अखबार डाल रही थी, मैं सोच रही हूँ कि नीचे ही लगा लेती हूँ, बीच वाले में भी लगा सकती थी, पर अब नहीं बोल रही है मम्मी नीचे वाले में लगाओ, मैं अभी कभी कभार पूजा कर लूँगी और अम्मा जी जो हैं वो भी कर लेंगी। तो मंदिर नहीं बन पाया अभी तक, जो बना था उसमें मैंने डब्बे सेट कर लिए हैं, बॉक्स बना लिया उसका डब्बे रखने का। तो एक मंदिर बनवाना है, भैया अभी आए नहीं हैं। ये जो आप पटड़ी देख रहे हो ये मैंने पूजा के लिए एक चौकी बनवाई है, मैं शायद व्रत शुरू करूँगी तो इसलिए मैंने चौकी बनवा कर रखी हुई है कि जब भी व्रत कर करूँगी तो चौकी लगा लिया करूँगी। और ये जो मेज है इसे भी हटा लेती हूँ अभी मैं। अभी उसके बाद मैं यहाँ लगा रही थी झाड़ू, तो इधर है ना बैटरी के पीछे और बैटरी के बराबर में साइड में मतलब यहाँ से मैं कूड़ा निकाल रही थी और बेड के नीचे भी लगानी है मुझे अच्छे से झाड़ू। तो देखिए जहाँ तक मेरा हाथ जा सकता है वहाँ तक साफ़ कर दूँगी। उसके बाद ये सब चीज़ें कर लिया, उसके बाद यहाँ लग गई मैं पूजा की मूर्ति लगाने। अखबार तो मैंने बिछा दिया था, सामान आगे को कर करके सकेरा। एक ओम था जो भैया ने गिफ्ट में दिया था, मतलब वो भी मुझे कहीं ना कहीं टांगना था। हैंगर है मतलब एक तरह का, उस पर चाबी वगैरह तौली वगैरह कुछ भी टांग सकते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें ही टांग सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसे ऐसे ही सेट कर दिया है। उसके बाद देखिए मैंने सारे रूम के जो कपड़े हैं वो सब समेट दिए, यहाँ मच्छरदानी रखी हुई है ये उठानी है। और इस वाले हैंगर पर मैंने ये दो टॉवल टांग कर रखे हुए हैं अभी छोटे से पर ही, अभी मेरे को इसको कहीं लगाने का हिसाब नहीं लगा है। मैं सोच रही हूँ कि बेड के ऊपर सामने एक साइड लगा लूँ, तो बताइए मैं सही बोल रही हूँ, चाबी के गुच्छे वगैरह टांगने के लिए हैं। तो उसके बाद अभी मैं यहाँ पर मेज़ पर कपड़ा लगा रही थी, मेज़ पर धूल बैठ रही थी और इधर बेड पर भी लगाना था मुझे, ये भी साफ़ करना है। और ये चौकी रखने की अभी कहीं जगह सेट नहीं हुई थी, तो चप्पल जूते रखने के लिए रैक है, तो मैं सोच रही हूँ या तो मेज़ में नीचे की साइड रख दूँ इसे, या फिर मतलब सेब के ऊपर रख दूँ चौकी को। हाँ यही सोच रही हूँ कि सेब के ऊपर रख दूँ। तो बेड पर भी धूल बैठ रही थी वो मैं साफ़ कर रही थी, सारे बेड पर कपड़ा लगाना था और इधर भी इस पर भी लगाना था, नीचे की साइड धूल थी मिट्टी थी। तो अभी मैंने झाड़ू मतलब एक बार लगा दी और फिर से लगेगी क्योंकि पूरी हालत हो रही है, पूरे रूम को सेट करने में बहुत टाइम लग गया, ऊपर से भी सारा झाड़ा पोंछी करी। तो अभी भी थोड़े से काम रह गए इसमें, मेरे सेब के जो एक दो खाना है वो रह गया है, वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाई देंगे। मतलब मैं अगर और जो आया है मायके से वो भी मैं आपको फिर ही दिखाऊंगी। यहाँ पर चप्पल रखी हुई थी इन्हें उठा रही हूँ, मतलब एक एक करके सारा सामान उठाया लगाया, मतलब इतनी ज़्यादा थकान होती जा रही थी। और खाने पीने का तो अभी नाम ही नहीं था, बस सुबह से एक कप चाय में थी, लगता था कि कब खाना बनाऊँगी। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर सारा काम जो है समेट लिया था, मैं लगा रही थी पोछा, तो मैंने यहाँ कायरा को बैठा कर रखा हुआ था, पहले मैं उसे गोद में ले रही थी और फिर गोद में ले लिया फिर बैठा लिया, मतलब इस तरह ही पूरे रूम में पोछा लगाया है मैंने, क्योंकि वो रो रहा था कभी बैठा कर कभी गोद में लेकर, उसने पोछा लगाना भारी कर दिया, सारा रूम जो है वो अच्छे से साफ हो चुका था, बस पोछा रह रहा था, अभी मैंने पोछा भी लगा दिया है। उसके बाद ये बरामदे का जो स्लिप है ये भी साफ़ करना है मुझे, तो पहले इसे मैं अच्छे से झाड़ू मार ली थी मैंने इस पर, अभी मैं इस पर पोछा लगा रही थी तो मैंने इसे इस साइड बैठा लिया करूँ जब ये नहीं रह रहा था। अवनी जो है वो सो गई थी और मुझे वीडियो भी बनानी थी और साथ के साथ काम भी करना था। मैंने आप लोगों से बताई थी कि मैं स्लीपर गैस एक दो दिन के बाद रखूँगी क्योंकि गंदा हो रहा है पोछा।
अभी उसके बाद यहाँ मैं संदूक पर बिछा रही थी दरी, तो मैंने इसे संदूक को जो है चारों साइड से साफ़ कर लिया था, और वो जो दूसरे वाली दरी है वो मैंने उतार दिया, और ये वाली दरी मैं इस पर डाल रही हूँ। तो वो जो है गंदी हो रही थी, उस पर लाल कीड़ी भी चढ़ रही थी, पता नहीं इस पर संदूक पर सामान रखा हुआ था इस वजह से। तो अब जो है मैंने ये वाली दरी डाल रही हूँ, इसको दोनों साइड से मोड़ दूँगी मैं। और क्या नाम, बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, इसे अच्छे से साफ़ इसलिए कराया मैंने गीला कपड़ा लगा कर। अभी उसके बाद देखिए यहाँ पर बरामदे में बहुत गंदा हो रहा है, मुझे यहाँ झाड़ू लगानी है। ये जो पन्नी वगैरह पड़े हैं ये सब चीज़ें मैं समेट कर कूड़ी पर एक साइड डाल दूँगी, और बाद में इनमें आग लगा दूँगी। तो पन्नी हम कूड़ी वगैरह पर नहीं डालते हैं, क्योंकि खाद भरते हैं तो फिर फावला उवला लग जाए पैर में, अवनी मान जा, इस चीज़ की दिक्कत रहती है। और इन्हें साइडों में डालकर जला देते हैं। और ये जो एक लेकर आई थी मैं कूड़ा उठाने का, कई दिन काफ़ी टाइम पहले शायद दिखा भी हो मैंने आप लोगों को, तो ये लेकर आई थी मैं, मेरे सही से याद नहीं है, तो इससे मुझे आसानी हो जाती है कूड़ा उठाने में। अभी तो मैं इस बरामदे में झाड़ू लगा लूँगी, थोड़ी सी झाड़ू रह रही थी, बाकी मैंने पीछे से लगा लिया। और कायरव यहीं खेल रहा था, तो वो दो तीन सामान ले रहा था, उनसे खेल रहा था। उसके बाद अभी मेरी बरामदे में झाड़ू पूरी हो गई, और मैं इधर आ गई भूस वाले कोठे में, यहाँ पर भर रही थी मैं भूस। तो मैं एक तसला भूस जो है वो गाय को डाल रही हूँ, जो उनसे दूध देती है, बाकी घास जो है वो राठी जी करेंगे, वो सो रहे हैं, उसकर वही करेंगे, क्योंकि हरा घास रखा हुआ है वो काटना है। तो फिलहाल मैंने सोचा कि खेत से आए थे पानी चलाकर वो लेट गए, तो मैंने सोचा कि चलो ये दूध देती है सामने से एक तसला कर देती हूँ। वैसे तो मैं दूसरी को भी कर सकती थी एक तसला, पर वो उससे मुझे डर लगता है, वो टक्कर मारती है, कहीं मेरे को टक्कर वगैरह ना मार दे, वो मार देती है मुझे, चुकाड़ती है थोड़ा सा। धोवन रखा हुआ था, मैं इसकी सानी से कर रही थी, और ये जो कुछ खिचड़ी बनाई थी दोपहर में वो बच रही थी, वो उसी की सानी कर दी। इसमें चोकर रला दूँगी मैं इसे अच्छे से, मतलब इतना अच्छे से हाथ निकाल दूँगी, पानी की ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसमें, पहले से ही मतलब पानी है। वीडियो का यहीं पर एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि बड़ी भाभी ने क्या दिया है खाइए, तो मैं जल्दी ही आप लोगों को दिखाऊंगी। तो देखिए जब से मैं आई हूँ 2 दिन हो गए हैं, मेरे घर की बहुत बुरी हालत हो रही थी, घर की हालत सुधारने में लगी हूँ, पूरा दिन आज ऐसे निकल गया। आप लोग नोट करोगे, सासू मम्मी और हस्बैंड दोनों नहीं हैं पर, तो जो है वो अपने मम्मी जो थी वो अपनी फूफी जी के यहाँ गई थी, और हस्बैंड जो है वो खेत में पानी चला रहे थे, तो अकेली रही, कायरव को भी संभाला, दोनों बच्चों को लेकर इतना सारा काम, मतलब सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर शाम के जो है 5:30-6 बज गए, और जब मैं नहाई और फिर शाम का खाना पीना शुरू कर दिया, नेक्स्ट डे शुरू कर दी। तो कुछ दिन में शाम में बनाई और कुछ अगले दिन की अब सुबह की बना रही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा थक गई, नहाने का भी टाइम नहीं मिला मुझे, और काम में तो पूछे मत, कल से कमर में इतना दर्द है, एकदम इतना सारा काम करना भारी बन जाता है, पर वह अकेले हैं तो करना तो पड़ेगा, खुद से ही देखना पड़ता है। तो हस्बैंड को लेकर कमेंट आ रहे थे ये दे दीजिए ये वाली जो आप चीज़ें बता रहे हो, ठीक है। तो मैं यही चीज़ें, बहुत कमेंट आए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद राय देने के लिए। तो देखिए कुछ ना कुछ हाँ ऐसा करेंगे यूज़ करेंगे इससे वो ठीक हो जाए। और कुछ कमेंट आ रहे थे कि कायरव कितने महीने का हो गया है, तो कायरव हो गया है 6 महीने का, अगले महीने है कायरव का बर्थडे, साल भर का हो जाएगा, बोने लगा है थोड़ा दया, और थोड़ा चलने की भी कोशिश करता है, 4-5 कदम उठाता है मेरे पास आ जाता है, खाट पकड़ कर चलता है। तो मुझे कुछ लोगों के नाम लेने हैं, दिखाऊंगी बाद में, तो अभी मुझे कुछ लोगों के नाम लेने हैं। तो फेस को लेकर बोल रहे हो, आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किया, आप दीदी ऐसे रहा करो, तो ठीक है मैं कोशिश करती रहूँगी कि मैं ऐसे ही आऊँ जब भी आऊँ कैमरे के सामने। तो चलिए अभी मैं उन लोगों के नाम ले लूँगी, तो मतलब पति और सास दोनों ही मतलब चले गए, कहीं छोड़कर अकेली बच्चा संभाला, तो मतलब खुशी हो गई। आप लोग समझ सकते हो एक छोटे बच्चे को लेकर इतना सारा काम, बिल्कुल भारी होने बात, तो नाराजगी थी, वो नाराज थे इसलिए नहीं दिखाई दिए, मतलब एकदम आते ही छोड़कर चले गए, मुझे अकेले ही करना पड़ा मुझे सारा काम, पति और सास दोनों ही चले गए। जब फिर बच्चे को लेकर अकेले सारा काम करना बहुत भारी बात बनती है, पर वो है अवनी है, थोड़ा बहुत संभाल लेती है भैया को, कुछ मैंने गोद में लेकर कुछ बैठा कर कुछ रुला कर बस काम करा है, क्योंकि हालत ख़राब थी घर की। ये अवनी के सैंडल हैं,
वो आपको दिखा रही है, तो मैं अभी आपको सारा सामान अभी नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको सारा सामान एक दो दिन के बाद दिखाऊंगी। और जो गोल्ड की जो वाली वीडियो है वो आज भी नहीं आएगी, दो दिन अभी और नहीं आएगी, वो आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। वो वाली क्लिप है मेरे पास, पर मैं उसको एक दो दिन में जो वीडियो मतलब वो मेरे पास है, तो मैं उसको है ना एक दो दिन बाद है ना किसी घर यहाँ की घर वाली वीडियो की क्लिप में जोड़ कर, तो वो जो गोल्ड वाली क्लिप है वो मेरे पास है, तो मैं आप लोगों को एक दो दिन के बाद दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखा पा रही हूँ। तो पूजा का स्थान यहाँ सेट कर दिया है मैंने, ये अभी अवनी ने बिगाड़ दिया, अभी इधर से इधर रख दिया, और यहाँ खाने का बोरिया रखा है फिर से, ये इसे मैं उठाकर बाहर रखती हूँ, यहाँ मम्मी अवनी को इसे उठाकर लगा यहाँ रख देता। तो चलिए मैं जिन लोगों के नाम लेना चाहती हूँ मैं भी ले देती हूँ। तो एक है सुनीता देवी, हेलो सुनीता जी, और एक है प्रीति हरियाल, प्रीति हरियाल कैसे हो, और एक है पूजा जी जिनकी शादी की सालगिरह, पूजा जी जिनकी शादी की सालगिरह है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी पूजा जी, और एक है नाम वफा, वफा तो हेलो वफा जी। तो आज के लिए इतने ही नाम जिन लोगों के छूट गए हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा, मेरे को लगे वहीं पर एंड कर देती हूँ। और एक नाम और लेना चाहती हूँ, हेलो राजन जी, तो आज के लिए फिर बहुत से बहुत गर्मी है सुबह से ही, और मैं लगी हुई काम में, तो कुछ कमेंट आ रहे थे मुझे कि दीदी पंखा नहीं कूलर ले लो, तो देखती हूँ जैसा हिसाब बनेगा, अगर हिसाब बना तो कूलर ले लूँगी, वरना फिर एक तूफान पंखा ही लेना पड़ेगा, बजट के अनुसार चलूँगी मैं, तो जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।